दमोह जिले के जबेरा में आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान योजना और गौ सेवा योजना जैसे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र और हित लाभ वितरण किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान योजना और गौ सेवा योजना के तहत लाभान्वित होने वाले लोगों को प्रमाण पत्र और अन्य लाभ वितरित किए। उन्होंने इस योजनाओं के महत्व और इनसे होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला और सरकार की योजनाओं के माध्यम से आम जनता के जीवन में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर तेंदुखेड़ा, जामुनखेड़ा, अजीतपुर से अभाना पाटन मार्ग के चैनेज 1150 मीटर पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु 4,50,00,000 रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। इस पुल के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा और यातायात में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबेरा को नगर परिषद बनाने की घोषणा की, जिससे स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों में सुधार की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद बनने से जबेरा में विकास कार्यों की गति तेज होगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने इसे और भी खास बना दिया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और इनके लाभों का विस्तार से वर्णन किया। इस कार्यक्रम ने दमोह जिले के जबेरा में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से प्रदर्शित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति और घोषणाओं से स्थानीय लोगों में उत्साह और उम्मीद की लहर है। आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूँ और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, तो यहाँ के विधायक जी ने कोई मांग रखी, सांसद जी ने कुछ मांग रखी, इसको तो मानना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं यहीं से लोकार्पण करते हुए, तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का। और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे अपने इस जबेरा के अंदर आपके भी अधिकार बढ़ेंगे, नगर परिषद बनेगी, चुनाव आएंगे, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ, 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा। और बहुत जल्दी आने वाले सभी चुनाव जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए, जिन्होंने लोकसभा में कानून बनाया कि आने वाले समय में 33% हमारी बहनें सांसद और विधायक भी बनाई जाएगी।